गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के 22 से अधिक राज्यों में बारिश और बाढ़ के चलते सामान्य जनजीवन पटरी से उतर चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश ने तबाही मचा रखी है। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते 1 जून से अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है और 60 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र की सांवर तहसील के नंदा गोमुख में पानी के तेज बहाव के कारण कार के बह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लापता हैं। सभी यात्री मध्य प्रदेश के निवासी थे। वहीं इस घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रशासन की ओर से लापता लोगों का पता लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। राजकोट में भी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ एक अस्पताल के बेसमेंट में पानी घुस गया, जिसके चलते मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। गुजरात के राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा है कि राज्य के कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित नवसारी का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात भी की। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ ने कैसा हाहाकार मचाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज। ठीक है।